बलरामपुर कांग्रेस के दूसरे चरण के प्रत्याशियों के ऐलान के पहले लुंड्रा विधायक चिंतामणि महाराज ने सामरी विधानसभा सीट से और बृहस्पति सिंह ने रामानुजगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। नामांकन फॉर्म लेने के बाद चिंतामणि महाराज ने बताया कि यह फॉर्म उन्होंने हाईकमान के आदेश पर खरीदा है। दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम के ऐलान पहले लुंड्रा विधायक चिंतामणि महाराज द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर सामरी विधानसभा से नामांकन खरीदने पर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। बता दें कि कल प्रदेश के दूसरे चरण के 72 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाने के लिए दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रखी गई थी। यह बैठक शाम 4 बजे शुरू हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत कोर कमेटी के सभी सदस्य शामिल थे। इधर प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के पहले लुंड्रा विधायक चिंतामणि महाराज द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर विधानसभा सामरी से नामांकन फॉर्म खरीदे जाने पर हलचल मच गई है। नामांकन फॉर्म लेने के बाद चिंतामणि महाराज ने बताया कि नामांकन फॉर्म उन्होंने हाईकमान के निर्देश पर खरीदा है। बता दें कि इससे पहले भी कोंटा विधायक कवासी लखमा ने भी प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के पहले नामांकन फॉर्म खरीदा था। आज जारी कर सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा। प्रदेश कांग्रेस आज 72 सीटों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। कल दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में केंद्रीय नेताओं के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव शामिल थे। माना जा रहा है कि आज कांग्रेस के शेष 72 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। बिल्कुल घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन अपने को संकेत मिल गया है, उसी आधार पे आज भार ले लिया है। चुनाव बहुत अच्छा रहेगा जी। बिना मुहूर्त कैसे करेंगे? कोई भी शुभ काम करना है तो मुहूर्त देखना ही पड़ता है। फार्म दोनों एक साथ ले लिए हैं जी जी, वो तो जमा करना है। कब जमा करना है वो मुहूर्त के हिसाब से करेंगे। चुनाव का तैयारी अपने हिसाब से तो ठीक ठाक चल रहा है। ये देखिए, जो भी हमारे हाई कमान आला कमान डिसाइड करते हैं और हम लोगों को सूचना दिया जाता है कि कौन किस पार्टी का प्रत्याशी किस सीट से घोषित किया जा रहा है या किया गया है, तो उस हिसाब से हम लोग अपने अपने हिसाब से अपने शुभ मुहूर्त निकाल कर अपने अपने जो भी प्रत्याशी होते हैं नामांकन फार्म खरीदते हैं और जिसका जो डेट तिथि और जिस हिसाब से मुहूर्त बनता है उस नाम पर जमा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आरोप है। विरोधी दल तो हर तरह के अफवाह उड़ाते हैं, लेकिन कहीं से ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, प्रत्येक पुल के हर मतदाता कार्यकर्ता हमारे का साथ है और कांग्रेस के साथ है। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए देवेश दुबे की रिपोर्ट।